video, we are going to understand the concept of belongs to and does not belong to. Let us take two sets A and B. And this is set A, this is set B. Now A union B is represented by both the circles together. Now if I say that there is an element X which belongs to A union B, what do you mean by this? If X belongs to A union B, this means that X belongs to A or X belongs to B. Now why did I say or X belongs to B? Because हो सकता है कि X यहाँ पे हो, इसलिए X A union B में है. अगर X यहाँ पे है तो भी X A union B में हो सकता है, और X यहाँ पर है तब भी A union B में हो सकता है. Here you can say कि यहाँ पर A में भी है, B में भी है, but then this is not necessary कि उसको यहाँ ही होना है. वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वेयर. जब अब मैं चॉइसेस दे रही हूँ कि वो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, दैट मीन्स इट हैज़ टू बी और. व्हेन आई गिव चॉइसेस देन इट इज़ और. लाइक आई टेक वन मोर एग्जांपल. आई टेक अ वेन डायग्राम. नाउ दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी. नाउ आई राइट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि x यहाँ पर नहीं है, इन दोनों सर्कल्स में नहीं है. दैट मीन्स x कहाँ है? यहाँ कहीं बाहर है, विच इज़ लाइंग आउटसाइड ऑफ दिस टू. नाउ दैट मीन्स x डज नॉट बिलोंग टू a, एंड हियर व्हाट आई एम यूजिंग इज एंड, एंड x डज नॉट बिलोंग टू b. नाउ यू शुड बी वेरी क्लियर दैट वाई वी आर यूजिंग और हियर एंड वाई वी आर यूजिंग एंड हियर. नाउ यहाँ एंड क्यों? अगर मैं ये लिखती हूँ x डज नॉट बिलोंग टू a और x does not belong to b, इसका मतलब ये होगा कि या तो x a में नहीं है या तो x b में नहीं है. बट अगर x a में नहीं है और b में है तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? a union b में पहुँच जाएगा. बट वॉट आई वॉन्ट इज़ कि x a union b में नहीं है. दैट मीन्स उसको इन दोनों में से कहीं पर भी नहीं होना है. इट इज़ नेसेसरी कि वो दोनों में से कहीं पर भी ना हो. एंड दैट मीन्स x does not belong to a एंड x does not belong to b. आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई दिस. Now let us take one more example. Let this Venn diagram is representing A intersection B, and if I write X belongs to A intersection B, what happens? कि X को यहाँ पर होना है. यहाँ पर होने के लिए उसको A में भी होना चाहिए, B में भी होना चाहिए. So I am writing X belongs to A and X belongs to B. Now why did I say and? Because X should be in A and X should be in B, then only X can belong to A intersection B. इसका मतलब x को a में भी होना है, b में भी होना है. देयर इज़ नो चॉइस कि वो a में हो सकता है, b में नहीं हो सकता है, b में हो सकता है, a में नहीं हो सकता है. ऐसी कोई चॉइस नहीं है. हम क्या चाहते हैं? x a में भी हो, b में भी हो, तभी वो कहाँ पहुँचेगा? a इंटरसेक्शन b में पहुँचेगा. नाउ सी द नेक्स्ट वन. इफ़ आई राइट x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b. नाउ आई एम राइटिंग x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, मतलब x यहाँ पर नहीं है. अगर x यहाँ पर नहीं है तो कहाँ नहीं है? दैट मीन्स माई क्वेश्चन इज़ के x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b. सो x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b. अब नाउ वाई विल आई राइट x डज नॉट बिलोंग टू a एंड डज नॉट बिलोंग और डज नॉट बिलोंग टू b. अगर x a में और b में, अगर सपोज मैं ये कहती हूँ x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं कहती हूँ x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, मतलब x a में भी नहीं है, b में भी नहीं है. बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि x a और b में नहीं होना चाहिए, वो दोनों में एक साथ नहीं होना चाहिए. सो आई एम सेइंग दैट x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b. इन अदर वर्ड्स, अगर x a में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं पहुंचेगा. सिमिलरली अगर एक्स यहाँ पर बी में है और ए में नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो इंटरसेक्शन में नहीं पहुंचेगा. हमारी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो इंटरसेक्शन में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब दोनों में इकट्ठा नहीं होना चाहिए. सो आई एम राइटिंग आइदर एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी. नाउ लेट अस डू द सेम थिंग विद वन मोर एग्जाम्पल. I can say that x belongs to A intersection B का complement. अगर वो set में नहीं है तो उसके complement में होता है. This is a rule which we have learnt in sets, that अगर set में नहीं है element तो उसके complement में ज़रूर होगा. Now what do you mean by this? X belongs to,
अब ये वाला कौन सा वाला लॉ लगाएंगे हम, कॉम्प्लीमेंट का लॉ लगाएंगे। सो वो लॉ क्या कहता है, ए डैश यूनियन बी डैश। एक्स कहाँ पहुँच गया, ए डैश यूनियन बी डैश में। इसका मतलब अब हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ द टू सेट्स देन आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अभी अभी हमने यही पढ़ा है। नाउ दैट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। सो देर इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आइदर यू कैन डू इट डायरेक्टली और यू अप्लाई योर थ्योरीज ऑफ सेट्स, योर रूल्स ऑफ सेट्स, एंड देन यू कैन कम टू नो दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट। आई हैव रिटन ए माइनस बी। नाउ वॉट पार्ट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी इज दिस लेफ्ट वन, राइट, दैट पार्ट ऑफ ए विच इज़ नॉट कंटेन्ड इन बी। Now, if I write x belongs to a minus b, then what do you mean by this? x को कहाँ होना है, यहाँ पर, सिर्फ ये वाले पोर्शन में हो सकता है। That means मुझे क्या कहना है, x a को belong करता है, x belongs to a and x does not belong to b, वो b में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर b में चला गया तो क्या होगा, हो सकता है वो यहाँ पर आ जाए, हो सकता है वो यहाँ पर आ जाए। अगर वो यहाँ पर आ गया तो प्रॉब्लम है, बिकॉज फिर वो a माइनस बी में नहीं रहेगा। सो द नेसेसरी कंडीशन इज़ कि x को कहाँ से होना है, सिर्फ इसी वाले पार्ट से होना है, तभी हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, एंड दैट शोज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। नाउ लेट अस राइट वन मोर एग्जांपल। इसी में नॉट बिलोंग्स टू, दिस इज़ a माइनस बी, सपोज a b एंड दिस इज a माइनस बी। नाउ आई एम राइटिंग x डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी। अब इसको समझने के लिए फिर आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। अब क्या कर रहे हैं, डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी, इसका मतलब किस में बिलोंग करेगा, a माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, राइट, सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में है। अब इसी में तुम अपना लॉ लगाओ, a माइनस बी का मतलब क्या है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का डैश, राइट, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a डैश, अब कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाते हैं, यूनियन b डैश का डैश, राइट, तो x कहाँ बिलोंग कर गया, a डैश यूनियन b में। अब इसका क्या मीनिंग है, x अगर a डैश यूनियन b में, फिर से अपने यूनियन वाले लॉ में जाओ, x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a डैश का क्या मतलब है, x डज नॉट बिलोंग टू a और x बिलोंग्स टू b। दिस इज़ वॉट वी शुड अंडरस्टैंड वाइल वी आर डूइंग सच क्वेश्चंस। इफ आई से दैट x डज नॉट बिलोंग टू a माइनस b, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। तो हमें सिर्फ मीनिंग समझना है, उसको याद नहीं करना है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू लर्न। तो हमने कहा कि x a माइनस b में नहीं है, मतलब यहाँ नहीं है x। अगर x यहाँ नहीं है तो x a में तो नहीं है, कन्फर्म है, इट डज नॉट बिलोंग टू a, और x belongs to b, b में हो सकता है, b में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज b में है तब भी a माइनस b में नहीं होगा। द ओनली कंडीशन इज़ कि x को a में नहीं होना है, और साथ में हमने एंड नहीं लिखा है कि b में भी नहीं होना है, b में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हाउ हैव वी वेरीफाइड, वी हैव वेरीफाइड यूजिंग द लॉज ऑफ सेट्स।